बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खरिया से होंगे। हम भी आपकी दुआ से अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए और जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंदे एक रहने की होम अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो बस यही सोचा था कि मस्जिद का जो है ना सिर्फ डोर बनाऊंगा, उसके बाद ख़त्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला का फजल ऐसा हुआ, अपने माँ बाप की दुआ से हमने मस्जिद का डोर भी लगवाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद के अंदर पंखे भी लगे हैं और साथ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की बिजली का काम हुआ, मस्जिद का नलका भी लगा, कुरान मजीद की अलमारी भी लगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ईंटें हमने मंगवा ली हैं, अब जो है ना मस्जिद का वाशरूम बन रहा है। तो यहाँ पे जो है ना दरवाजा जो है ना जी दरवाजा तो बजता ना आराम, दरवाजा तो बिल्कुल बजता पाए माशाल्लाह से। जहाँ से मेरे भाई जो है ना खुदाई कर रहे हैं, ये है वुजू खाना। ऐसे जूते उतार दिए जाएंगे और बिल्कुल, और ये जो दीवार है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है ना 5-6 टूटियाँ लगी हुई होंगी, तो आराम से वुजू खाना ऊंचा ऊंचा बना हुआ होगा, आराम से वुजू करके और सीधा जो है ना मस्जिद के अंदर जाके नमाज पढ़ेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट टाइम जो है ना मस्जिद के पंखे लगवाए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी जो है ना वो आराम के साथ सुकून के साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा करते हैं। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मस्जिद जो है ना पुरसकून माहौल दे, ताकि ये जो बच्चे हैं माशाल्लाह से ये जब नमाज और कुरान मजीद पढ़ने हैं तो इनको सुकून मिले। ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने हैं, तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ने हैं, तो इस वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है इधर। मेरी कोशिश है एज ए स्टूडेंट कि ये मस्जिद का काम कंप्लीट हो जाए और मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो आप भी दुआ फरमाइए कि ये बरसों से मस्जिद ऐसी खड़ी थी, डोर नहीं लगा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने लगवाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे जो काम रहता है और इंशाअल्लाह ताला वो भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएंगे, इंशाअल्लाह वो भी करवाएंगे। तो अब आपकी दुआ की ज़रूरत है, आप भी दुआ फरमाइए ये जो काम है ये मुकम्मल हो जाए इंशाअल्लाह ताला। तो कल एक न्यू और फ्रेश व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।